मनोज तिवारी फिर बन गए हैं पिताजी। हाँ, एक नन्ही परी ने उनके जीवन में फिर दस्तक दी है और मनोज तिवारी के घर में खुशियों का अंबार लग गया। जी हाँ, 2020 जाते जाते मनोज तिवारी को बहुत सारी खुशियां दे गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मनोज तिवारी और रानी का तो डिवोर्स हो चुका था और तब किस तरह से मनोज तिवारी पिता बन गए, तो हम आपको आज ये पूरी खबर देंगे। वैसे मनोज तिवारी और उनकी पत्नी रानी का तो कब का तलाक हो गया है, लेकिन उनके जीवन में सुरभि ने 10 साल पहले दस्तक दी। जी हाँ, इनका रिलेशन 10 साल पहले का है और सुरभि तिवारी से इसी लॉकडाउन में मनोज तिवारी ने शादी की और अब बन गए हैं वो नन्ही परी के पिता। इससे पहले रानी से उनको एक बेटी है जो कि मुंबई में रहती हैं और वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई होती है। उससे मिलने उनके पिता समय समय पर मुंबई आते रहते हैं। वैसे सुरभि तिवारी के बारे में लोग जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि बिहार की रहने वाली हैं, पेशे से गायिका हैं, लेकिन मनोज तिवारी के साथ पिछले 10 साल से उनके राजनीतिक कैरियर में पूरी तरह से कार्यरत हैं और मनोज तिवारी के हर उतार चढ़ाव में उन्होंने साए की तरह साथ दिया है। और अब मनोज तिवारी की बारी थी तो उन्होंने सुरभि से शादी की और अब मनोज तिवारी की एक खुशहाल फैमिली है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।